बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार और डिप्टी सीएम सिसोदिया पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दी गई घिसीपिटी स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है। अगर हिम्मत है तो बात सच है, उन्हें बताए सिर्फ घिसीपिटी स्क्रिप्ट ना पढ़े। दिल्ली की जनता का टैक्सपेयर का पैसा दिल्ली सरकार ने बर्बाद कर दिया। दिल्ली की जनता शराब आबाकारी नीति को लेकर जगह जगह पोस्ट कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी घिसी पिटी रटी रटाई स्क्रिप्ट बार बार पढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, ये आपकी बहुत ही घिसी पिटी स्क्रिप्ट है, टोटल फ्लॉप शो है ये आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल जी, आपको शराब नीति पे बोलना है, लेकिन आप इस पे जो चुप्पी साधे हुए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। और हमेशा एक नई घिसी पिटी वही स्क्रिप्ट लेकर के आ जाते हैं। आपकी चुप्पी से जनता समझ रही है कि आपने दिल्ली के गरीबों का, झुग्गी वालों का, दिल्ली के टैक्स पेयर्स का कितना माल हड़प करके और इस समय मुद्दों को डाइवर्ट करने में लगे हैं। अरविंद, आप गोवल्स के वंशज हो गए हैं। गोवल्स जो सोचता था एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो लोग सत्य मानने लगेंगे, अब जनता जाग चुकी है और यही कारण है कि वो इस शराब नीति का सड़क पे आके मुखर विरोध कर रही थी, महिलाएं, बच्चे, सभी। अरविंद, आपको सिर्फ ये जवाब देना चाहिए कि जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी हुई आपकी शराब नीति वापस क्यों ले ली गई, इसमें ऐसा क्या छुपाना है, इसकी बात करें। अब कोई घिसी पिटी स्क्रिप्ट देखने वाला नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।